तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। उमर भाई आ गए हैं और हमें पकौड़ों की मुकम्मल रेसिपी बताएंगे। बड़ा मुश्किल टाइम दिया उमर भाई ने, बहुत बिजी हैं। और मैं एक आपको बात बता दूं, उमर भाई को उर्दू में थोड़ी सी शर्म महसूस होती है, तो हम इनके साथ पंजाबी में बात करेंगे। तो जी उमर भाई शुरू करो। उमर भाई आलू कितने लाने? 5 किलो। चलो ये 5 किलो की रेसिपी है। दरअसल हम लेट हो गए थे तो उमर भाई दोबारा से हमारी रेसिपी बना रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं उमर भाई आप? मोटे कटे प्याज और हरी मिर्च। कितनी है ये तकरीबन? ये पाव। ओके। और ये क्या उमर भाई? गरम मिर्च, जीरा, हाँ। और धनिया और नमक और हल्दी। ठीक है। अच्छा इसको आप मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह? जी। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले हम बेसन डालते हैं उसके बाद हम सारे मसाले डालते हैं, बट इनकी ये अपनी सीक्रेट रेसिपी है। आप यकीन करें लाइनें लगी होती हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही कलरफुल इनके पकौड़े होते हैं, बड़े ही शौक से खाए जाते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं ये। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उमर भाई हुन की पाओगे तुसी इहदे च? बेसन। ठीक है, बेसन खुद बसवांदे उमर भाई तुसी चक्की तो? जी। तकरीबन कितना बेसन है उमर भाई? बेसन है 2 किलो। ओके, मिक्स कराएंगे। करो उमर भाई, तकरीबन ईद वाले दिन कितने पकौड़े तड़े सेल होंगे? 200 किलो। 200 किलो, माशाल्लाह। तकरीबन कितने घंटे हो जाते हैं? 2-3 घंटे हो जाते हैं, माशाल्लाह। कितों कितों दुनिया आती तड़े पकौड़े खाने वास्ते? बहुत दूरों दूरों आती है जी। स्पेशल उमर भाई तुसी ईद दिन पकौड़े बनाते हो? जी। एदी की वजह है कि कस्टमर ईद ते तुहाडा इंतजार करते हैं? तो चले जी उमर भाई मिक्स हो गया अच्छी तरह, हुण की पाओगे तुसी? मैदा पाओगे। तुसी व्यूअर्स देखा होना कि अक्सर लोग सिर्फ बेसन नाल पकौड़े बनाते ने। उमर भाई मैदा किन्ना? मैदा जी बेसन 2 किलो, मैदा 1 किलो। ठीक है जी। उमर भाई तुसी हले तक पानी ऐड नहीं किया? नहीं जी, पानी ऐड नहीं करना है। अच्छा जी, पानी तो बगैर ही मिक्स करोगे जी? और पानी जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। व्यूअर्स आपने देखा होगा कि जब भी हम घर में पकोड़े बनाए या किसी भी जगह पे बनाए तो पानी डाल के उसको अच्छी तरह पहले मिक्स करते हैं, ये इनका सीक्रेट है, पानी इन्होंने ऐड नहीं किया। तो चलो जी देखे जी, उमर भाई ने चंगी तरह मिक्स कर लिया। उमर भाई हुण की करांगे? हुण जी 35-40 मिनट टाइम देवांगे। हाँ जी, जल्दी फ्राई नहीं करांगे? नहीं, जल्दी फ्राई नहीं करांगे। ठीक हो गया। तो चलो जी उमर भाई, तो सिर्फ गैस से क्यों नहीं फ्राई कर दे? नहीं जी, जो लकड़ी का मजा गैस का नहीं है। अच्छा, तो लकड़ी से ही फ्राई कर दे? जी। तो नहीं जी, आप देख सकते हैं एक बड़ी सी कढ़ाई में काफी ज्यादा इसमें घी ऐड कर लिया। उमर भाई घी ऐड किया या कुकिंग ऑयल? नहीं जी, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी उमर भाई, अगर ताड़ी परमिशन हो तो पकौड़े मैं फ्राई करा? हाँ जी, कोई मसला तो नहीं? नहीं जी, पकौड़े सारे थोड़े दरमियान रखना पड़े ना पाना। और आपका नीचे फ्लेम आप देख सकते हैं फुल हाई नहीं है, ना ज्यादा गर्म है ना ठंडा है। उमर भाई कितनी देर तो तकरीबन तुसी ये काम कर रहे हो? तुसी दस्या जी ताड़े अबू ने कि तकरीबन हो गया 50 साल। हाँ जी। थोड़े भर के पाने उमर भाई, थोड़े काम रखने जी? भर के पाओ। तो देखे जी माशाल्लाह पकौड़ों का कलर देखे, जो हम अक्सर घर में रेगुलर या बाजार से पकौड़े खाते हैं तो उनका कलर ये नहीं आता। ये उमर भाई मैदा डालने की वजह से इनका कलर थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ जी। और थोड़े क्रिस्पी भी मैदा डालने की वजह से हो गए। हाँ जी। इसको कब तक फ्राई करना है? ये दो तीन मिनट और करेंगे बस। ओके जी। उमर भाई देखो ना, हाँ जी हम तैयार हैं। हम कर लिए? हाँ जी, ये बन के तैयार हैं जनाब, इनको हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह पकौड़े आप चेक करें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। सारे पकौड़े हम लोग ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ले जी, यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं पकोड़े लेने के लिए, इनसे पूछते हैं इनके टेस्ट के बारे में। जी भाई जान, आप ये पकोड़े कब से खा रहे हैं और इनका टेस्ट कैसा है? मैं ये पकोड़े तकरीबन पिछले 10 साल से खा रहा हूँ जी, और टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। जी, दिल करता है कि बंदा पकोड़े खा ही जाए भाई, मतलब इतने मजेदार होते हैं ये। चले जी, थैंक यू। और वाकई पकोड़े बड़े मजे के लग रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इनका कलर, इनका जो क्रिस्पी सा एक ऊपर लेयर है वो बड़ी मजे की है।